अपना अली कदम और आपको आज मैं एक बात बताने वाली हूँ। मैं हूँ एक के ड्रामा लवर एंड आई एम श्योर कि आप भी के ड्रामा, के पॉप या फिर एनिमे फैन तो जरूर होंगे। तो जब भी हम ये देखते हैं वीडियो तो उसमें एकदम टेम्पटिंग फूड दिखता है, जैसे कि रैमन हो गया, किमची हो गया, किम्बाप हो गया, तो ऐसा रहता है सीधा कोरिया जाओ और वो टेम्पटिंग फूड ट्राई करें। लेकिन पॉकेट में तो इतना पैसा है नहीं कि खाने के लिए कोरिया चले जाए, इसलिए हमने ढूंढ निकाला एक ऐसा प्लेस जहाँ पे यू कैन कम एंड ट्राई आउट दिस डिलीशियस फूड। तो ये प्लेस है रैमन एंड फो इन खारगर। तो चलिए जाते हैं। तो हमने ऑर्डर किया है क्रीमी तोरी रैमन। तो इसमें ना बहुत अलग अलग वैरायटीज ऑफ चीज़ें आई है, मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो इसका जो ब्रॉथ है वो क्रीमी होता है, बिकॉज जो अपना बोन होता है चिकन का उसका एक्सट्रैक्ट होता है। उसी के साथ इसमें वेजिटेबल्स है, जैसे कोरिएंडर है, स्प्रिंग अनियंस है, उसके साथ ही कॉलीफ्लावर है, मशरूम्स है, ये भी एक टाइप ऑफ मशरूम्स है, और उसी के साथ यहाँ पे बॉइल्ड एग्स है विद सम सेसमी सीड्स, और ये कुछ अलग अलग एक्जॉटिक वेजिटेबल्स है, और ये है इनका चिली ऑयल जो बेसिकली इसमें पूरा स्पाइसीनेस ऐड करता है। तो विदाउट एनी डिले मुंह में पानी आ रहा है, इसको ट्राई करेंगे। तो मैंने इतना के ड्रामा तो देख ही लिया है कि मुझे पता है कि रैमन कैसे खाते हैं। तो रैमन खाने का ना एक स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज वो। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, इसको पूरा स्मेल करना होता है, इसका पूरा अरोमा फील करना होता है। सो लेट्स डू दैट। हाँ हाँ, मस्त एकदम खुशबू आ रहा है एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का, उसी के साथ मीट ब्रॉथ का स्मेल आ रहा है। तो अभी सेकंड जो चीज़ होता है वो पहले इसका ब्रॉथ टेस्ट करना होता है। सो लेट्स टेस्ट इट। रैमन मस्त दिख रहा है इसका ब्रॉथ। बहुत ही टेस्टी है, मतलब सूप जैसा नहीं लग रहा है। जब भी हम ब्रॉथ बोलते हैं ना, हमें लगता है थोड़ा सूप रहेगा और उसमें ये नूडल्स डाल के दे देंगे, लेकिन नहीं, ये जो ब्रॉथ है ना बहुत अलग टेस्ट है इसका, बहुत क्रीमी टेक्सचर है, उसी के साथ थोड़ा बीच में स्पाइसीनेस आ रहा है, अच्छा फ्लेवर है। तो अभी रैमन टेस्ट करते हैं, जो अपना थर्ड स्टेप होता है। पूरा मैं स्टर करूँगी इसको सो दैट सब फ्लेवर्स मिक्स हो जाए। और जब भी रैमन खाते हैं या फिर मैगी खाते हैं ना, एकदम ऐसा स्लर्प करना होता है, पूरा उसका फील लेके खाना होता है, तो मैं वैसे ही खाने वाली हूँ। बहुत यम्मी है, फर्स्ट टाइम है मैं रैमन ट्राई कर रही हूँ एंड टू माय सरप्राइज ये बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने ना, अगर आप इसको देखोगे, एकदम 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 अच्छे से कुक किया, इसको बिल्कुल स्टिकी नहीं है और ज़्यादा कच्चा भी नहीं है। और उसी के साथ मैं थोड़ा इसके साथ मीट भी ट्राई करती हूँ। वर्थ ट्राइंग है भाई, ज़्यादा सोचो मत। अगर आपको ट्राई करना है ना कोरियन फूड, एक बार आओ, रैमन ट्राई करके ज़रूर जाओ। इसका क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है, लाइक दो तीन जन आराम से पेट भर के ये एक बोल खा सकते हैं। लाइक ये 400 रुपए का आता है, लेकिन आप दो तीन फ्रेंड्स के बीच में बांट के ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लाइक हम दोनों को ये फिनिश करना बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉथ है और उसमें बहुत ज़्यादा रैमन डाला हुआ है, बट इट्स डिलीशियस। तो स्टार्टर्स में हमने ऑर्डर किया है ऑरेंज चिकन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब ऑरेंज जूस में ये चिकन को कुक किया है। तो लेट्स ट्राई इट। मैं जब भी स्टार्टर्स के बारे में सोचती हूँ, मुझे लगता है क्रिस्पी होगा, लेकिन ये है ना बहुत सॉफ्ट है, मतलब इसमें ना मीठा टेस्ट है, खट्टा टेस्ट है, और ऑरेंज जूस में बनाया गया है। तो स्टार्टिंग में इतना कुछ लग नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे हम च्यू कर रहे हैं वैसे वैसे ऑरेंज एक्सट्रैक्ट बाहर आ रहा है, तो बहुत यूनिक टेस्ट आ रहा है इसका। उसी के साथ ना इसमें जिंजर गार्लिक का बहुत यूज़ है, जिसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। उसी के साथ बेल पेपर्स वगैरह डाला हुआ है, मतलब ओवरऑल ही अलग। अगर आपको कुछ स्टार्टर ट्राई करना है तो दिस इज़ अ नाइस चॉइस। हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, रैमन वो सुपर डिलीशियस एंड ऑल्सो स्टार्टर्स भी बहुत टेस्टी थे। तो और ऐसे प्लेसेस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ।